यूट्यूबर अरमान मलिक आज किसी पहचान के मोहताज नहीं है। अरमान अपनी दो पत्नियां और चार बच्चों के साथ काफी आलीशान जिंदगी जीते हैं। अरमान मलिक की पहली शादी पायल से हुई थी, जिनसे उन्हें तीन बच्चे हैं। उनकी दूसरी शादी कृतिका से हुई, जिन्होंने पायल की दोस्त के तौर पर मलिक परिवार में एंट्री ली थी। कृतिका पायल से मिलने घर आती जाती रहती थी। इस दौरान उन्हें अरमान से प्यार हो गया और दोनों ने फिर शादी रचा ली। अरमान की दूसरी शादी के बाद हंगामा तो बहुत हुआ, लेकिन उन्हें पहली पत्नी का साथ मिला और फिर धीरे धीरे उनकी जिंदगी नॉर्मल हो गई। पिछले साल अरमान मलिक उस वक्त सुर्खियों में आए थे जब उनकी दोनों पत्नियां कृतिका और पायल एक साथ प्रेग्नेंट हो गई थी। एक और जहां पायल ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, तो वही कृतिका एक बेटे की मां बनी। अरमान चार बच्चों के पिता है, लेकिन उनकी फिटनेस देखकर ये कहना मुश्किल है। एक समय था जब अरमान पाई पाई को मोहताज थे और हार कर सुसाइड करने जा रहे थे। फिर उन्होंने मेहनत करनी शुरू कर दी और ब्लॉगर के तौर पर उन्होंने अपनी पहचान बना ली। सिद्धार्थ कनन को दिए गए इंटरव्यू में अरमान ने कहा था कि उनकी नेटवर्थ 100 से 200 करोड़ रुपए की है। ये सब 2.5 साल पहले की है। इसके अलावा उनके पास 10 फ्लैटें हैं और कई लग्जरी गाड़ियां भी हैं। अरमान का घर किसी 5-स्टार होटल से कम नहीं है। अब चर्चा है कि वो बिग बॉस OTT सीजन 3 का हिस्सा बनने जा रहे हैं। वो अपनी दोनों पत्नी पायल और कृतिका संग रियलिटी शो में नजर आने वाले हैं। अगर ऐसा होता है तो उन्हें बिग बॉस हाउस में देखना काफी दिलचस्प होने वाला है। तो दोस्तों, इसको लेकर क्या है आपकी राय? आप अरमान मलिक और उनकी दोनों पत्नियों को बिग बॉस OTT हाउस में देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं? इसको लेकर क्या है दोस्तों आपकी राय? कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी ना भूलें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।